हाय फ्रेंड्स, पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार बन चुकी है, वो भी ऐतिहासिक बहुमत के साथ। और भगवंत मान सिंह अब पंजाब के नए सीएम बन चुके हैं। इलेक्शन कैंपेन में उन्होंने बहुत सारे वादे किए थे और अब जब उन्होंने कार्यभार संभाला है तो वो एक्शन में नजर आ रहे हैं। इलेक्शन कैंपेन के दौरान किए गए वादों को पूरा करने में आम आदमी पार्टी की सरकार पूरी तरह से जुट चुकी है। और जब इलेक्शन कैंपेन चल रहे थे उस समय भगवंत मान सिंह ने एक बात कही कि अगर वो पंजाब के नए सीएम बन जाते हैं तो उनके कार्यकाल के पहले दिन वो अपनी जो कलम उठाएंगे वो बेरोजगारी को खत्म करने के लिए। और ठीक वैसा ही उन्होंने किया है। उन्होंने पंजाब में अपने पहले ही कार्य दिवस के दिन 25,000 न्यू वैकेंसीज की अनाउंसमेंट की है। हालांकि ये अभी तक एक सिर्फ अनाउंसमेंट है, आने वाले समय में हम देखेंगे कब तक नोटिफिकेशन जारी किए जाते हैं, कब तक एग्जाम्स लिए जाते हैं और फाइनल ज्वाइनिंग कब होती है। लेकिन यहाँ पे आम आदमी पार्टी की सरकार काफी एक्शन में नजर आ रही है और ताबड़तोड़ फैसले लिए जा रहे हैं। सबसे पहले उन्होंने ये फैसला लिया है, उसके बाद इससे पहले उन्होंने जो फैसला लिया था वो था वीआईपीस की सिक्योरिटी कम कर दी गई है और उन पुलिस वालों को आम आदमी की सुरक्षा में लगा दिया गया है। और उसके बाद फिर भगत सिंह की शहादत दिवस पर उन्होंने एक एंटी करप्शन नंबर जारी किया है और करप्शन को रोकने के लिए ये एक बहुत बड़ा स्टेप लिया गया है। और सेम चीज उन्होंने दिल्ली में भी अप्लाई की थी। यहाँ पे समझने वाली बात ये है कि पंजाब पर काफी बड़ा कर्ज है और आम आदमी पार्टी के ऊपर, आम आदमी पार्टी के कंधों के ऊपर भी काफी बड़ा बोझ है पंजाब के लोगों की उम्मीदों। तो यहाँ पे भ्रष्टाचार को रोकना एक बहुत ही इम्पोर्टेंट स्टेप होने वाला है, क्योंकि जब तक वो करप्शन नहीं कंट्रोल करेंगे वो अपना खाली खजाना भर नहीं पाएंगे। तो देखते हैं आने वाले समय में और बहुत सारे अपडेट्स हैं जो मैं आप तक लेकर आता रहूं। तो इन अपडेट्स को जानने के लिए जरूर जुड़े रहे मेरे साथ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। आपको इसी तरह की ताबड़तोड़ वीडियोस देखने को मिलती रहेंगी। जल्दी मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।